हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में लिखना है तो हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का प्रयोग किन सिचुएशंस में करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर से। तो अगर हमें कोई सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में लिखना है तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अगर हमें अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस लिखना है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल नॉट बी या विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखेंगे। अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखना है तो हम सबसे पहले शैल या विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा हमारा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब हमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखनी है स्ट्रक्चर के बारे में वो ये हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी है तो हमें शैल बी का यूज करना है या शैल नॉट बी का यूज करना है, या अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो हमें शैल का यूज करना है शुरू में, ठीक है। और आई और वी को छोड़ करके बाकी कोई और सब्जेक्ट हो और प्रोनाउन या कोई नाउन तो हमें विल बी का यूज करना है। उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो यहाँ पर हम जो नॉट का प्रयोग करेंगे वो अगर हम शैल बी लिख रहे हैं तो शैल बी के बीच में यूज करेंगे नॉट, और अगर हम विल बी लिख रहे हैं तो हम विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग इस तरह से करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले शैल या विल ही लिखेंगे, जो बी है वो सब्जेक्ट के बाद रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जिस सिचुएशन में हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द फ्यूचर, हम इस टेंस का प्रयोग उस एक्शन के बारे में बताने के लिए करते हैं जो फ्यूचर में किसी टाइम पर जारी रहेगा, ठीक है। ये हमारी टाइमलाइन है, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर है, तो प्रेजेंट के बाद फ्यूचर आता है। तो अगर कोई एक्शन मान लीजिए फ्यूचर में किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई एक्शन जारी है, तो इस एक्शन के बारे में बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे एट 7 PM टुमारो ही विल बी वर्किंग इन हिज ऑफिस। अब यहाँ पर देखिए ये टाइम बताया गया एट 7 PM टुमारो, अर्थात यहाँ पर मान लीजिए 7 PM है और 7 PM पर क्या काम जारी रहेगा, वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होगा, तो ये ऑफिस में काम करना जो है ये एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है, यहाँ पर ऑफिस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है तो इसको आप थोड़ा सा सही करके चलें, ठीक है। यहाँ पर ये OFFICE यहाँ पर ये होना चाहिए, थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर II हो गया FF की जगह। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब ये जो हमने पॉइंट बताया यहाँ पर, ये फ्यूचर का जो टाइम है, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसको हम मेंशन करने के लिए हम ऐट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और ऐट के बाद ये टाइम इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। हम इस एक्शन की जगह, ये हम इस टाइम की जगह किसी एक्शन को मेंशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई 7 बजे कोई दूसरा एक्शन हुआ था, हम उस एक्शन को मेंशन करना चाहते हैं इस टाइम की बजाय, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, व्हेन यू कम दे विल बी वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पर ये देखिए व्हेन यू कम, इसका मतलब जब आप आओगे तो किसी पॉइंट पर ही आओगे, ठीक है ना। ये जो काम होगा ये फ्यूचर में किसी पॉइंट पर ही होगा, ठीक है ना, ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम को रेफ़र कर रहा है। ये जो क्लोज मैंने यूज़ की है यहाँ पर, ये किसी फ्यूचर की पॉइंट ऑफ टाइम को रेफ़र करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ की है। यहाँ पे मान लीजिए कोई 7 बजे आएगा या 8 बजे आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एट 8 PM, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए 8 बजे हैं, तो मैं या तो इसको इस टाइम को लिखना चाहता तो मैं एट प्रीपोजिशन के बाद इसको लिख देता एट 8 PM दे विल बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे इस टाइम को यूज ना करके मैं कोई एक्शन बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई एक्शन मेंशन करना चाहता हूँ जो 8 बजे होगा, ठीक है। तो जब मैं इस टाइम की बजाय कोई एक्शन मेंशन करूँगा तो इस तरह से मैं एक क्लोज लिखूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने ये क्लोज लिखी है व्हेन यू कम। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब आप फ्यूचर की किसी पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करने के लिए किसी क्लोज का यूज़ करेंगे तो उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है।
तो फ्यूचर का जो ये टाइम है इसको मेंशन करने के लिए आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं, एक तो ऐट के बाद टाइम लिख सकते हैं और दूसरा किसी एक्शन के द्वारा भी इस टाइम को जो है रेफर कर सकते हैं। लेकिन जो एक्शन लिखेंगे आप इस टाइम की जगह वो एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कमल विल बी टेकिंग द डॉग फॉर ए वॉक एट नून। कमल जो है दोपहर को अपने कुत्ते को सैर के लिए ले जा रहा होगा, अर्थात यहाँ पे ये सेंटेंस जो है यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सेंटेंस का डिफ़ॉल्ट स्पीकिंग टाइम होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बोला जा रहा है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कमल जो है वो दोपहर को अपने कुत्ते को जो है सैर के लिए ले जा रहा होगा। तो यहाँ पर ये नून होगा, ठीक है ना, ये नून से पहले पहले ये सेंटेंस बोला जा रहा है। मान लीजिए सुबह बोला जा रहा है, ठीक है, सुबह सुबह ये सेंटेंस अगर बोला जा रहा है तो ये नून आएगा फ्यूचर में और फ्यूचर में ये एक्शन जारी रहेगा। क्या एक्शन जारी रहेगा? ये टेक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही विल नॉट बी क्लीनिंग द रूम। वो अपने कमरे को साफ नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए टाइम यूज़ नहीं किया मैंने, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो फ्यूचर का टाइम है ये यूज़ नहीं किया, तो ये वो टाइम यहाँ पे अंडरस्टूड है। अब वो अंडरस्टूड कैसे हुआ? इस टेंस के द्वारा, अर्थात जब मैंने यही टेंस यूज़ कर लिया तो इसका मतलब ये एक्शन फ्यूचर में किसी पॉइंट पे होगा। तो इस तरह से हम टाइम को ड्रॉप भी कर सकते हैं और जब हम टाइम को ड्रॉप कर देंगे तो वहाँ पर टाइम जो है वो अंडरस्टूड होगा। नेक्स्ट है जो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है और जो मेन वर्ब होती है, जैसे विल बी वर्किंग और विल बी वेटिंग और विल बी टेकिंग और विल नॉट बी क्लीनिंग। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है इस टेंस में, इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जगह हम ये बी गोइंग टू और बी गोइंग टू के बाद बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से था एनजी, ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम ये जो विल बी और उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से था एनजी है, इसकी जगह हम ये यूज कर सकते हैं बी गोइंग टू उसके बाद बी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से था एनजी। ये जो बी है इस बी की जगह आपको इस बी की फॉर्म यूज करनी है, जैसे इज़ अमर वाजवर होती है वो फॉर्म यूज करनी है, ठीक है ना। जैसे कि ये जो सेंटेंस है, जो हम ये सेंटेंस हमने कैसे लिखे हैं, विल बी के द्वारा, ठीक है ना, विल बी यूज हो रहा है। अगर हम अगर कोई सब्जेक्ट अगर आई और वी होता तो हम शैल बी भी यूज कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आई और वी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है नहीं तो हमने शैल बी यूज नहीं किया। तो शैल बी, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, इसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ये सेंटेंस लिखे अभी, ये तो सभी में हमने विल बी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से था एनजी यूज़ किया। हम इन सभी सेंटेंसेस को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एट 7 PM टुमारो ही इज़ गोइंग टू बी वर्किंग इन हिज ऑफिस। तो ये हमारा सेंटेंस क्या था इससे पहले, देखिए, एट 7 PM टुमारो ही विल बी वर्किंग, ठीक है ना, यहाँ पे विल बी वर्किंग था। तो यहाँ पे विल बी वर्किंग की जगह क्या कर दिया, इज़ गोइंग टू बी वर्किंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बी गोइंग टू यूज़ किया है, यहाँ पे ये बी गोइंग टू यूज़ कर रखा है, जैसे कि मैंने कहा था बी की जगह बी की फॉर्म यूज़ करनी है, तो यहाँ पे बी की फॉर्म यूज़ कर रखी है इज़, ठीक है ना, क्योंकि ही के साथ सिंगुलर वर्ब आती है इज़। तो इज़ गोइंग टू, ये बी गोइंग टू यूज़ किया, उसके बाद देखिए बी लिखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से था एनजी, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसा, ये देखिए व्हेन यू केम दे आर गोइंग टू बी, तो यहाँ पे क्या था, दे आर गोइंग टू, यहाँ पे दे विल बी वेटिंग था, तो यहाँ पे क्या हो गया, दे आर गोइंग टू बी वेटिंग, ठीक है ना, दे आर गोइंग टू बी वेटिंग। तो यहाँ पे देखिए बी गोइंग टू यूज़ किया, उसके बाद बी यूज़ किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आई एन जी। इस प्रकार नेक्स्ट है कमल इज़ गोइंग टू बी, तो यहाँ पर ये था विल बी टेकिंग, ठीक है ना, तो विल बी की जगह हमने क्या यूज़ करना था, अब बी गोइंग टू बी, तो यहाँ पे देखिए कमल इज़ गोइंग टू बी, ठीक है ना, कमल इज़ गोइंग टू बी। तो ये हमने देखिए बी गोइंग टू यूज़ किया, ठीक है, ये हमने यूज़ किया विल की जगह, उसके बाद बी यूज़ किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आई एन जी। इसी प्रकार से देखिए इज़ नॉट गोइंग टू बी, ठीक है ना, तो ये इज़ नॉट गोइंग टू, ये हमने लिखा विल नॉट की जगह और विल नॉट की जगह बी लिखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाया। तो इस तरह से जो शैल बी, विल बी प्लस वर्ब के साथ आई एन जी है, इसकी जगह हम बी गोइंग टू बी और वर्ब के साथ आई एन जी का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन जिसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं वो है टू टॉक अबाउट टू पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर। मान लीजिए फ्यूचर में दो पैरेलल एक्शन है, ठीक है ना, दो पैरेलल एक्शन है। पैरेलल एक्शन क्या होते हैं, समानांतर काम जो एक समय शुरू हुए और फिर जारी रहे फिर एक समय समाप्त हो गए, तो ऐसे एक्शंस को पैरेलल एक्शंस कहा जाता है। तो हम फ्यूचर के दो पैरेलल एक्शंस के बारे में बताने के लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई विल बी स्टडिंग व्हेन माय मदर इज़ कुकिंग। तो यहाँ पे दो एक्शन क्या हुए, एक तो ये स्टडी करना, ठीक है ना, और ये मेरी माँ का खाना पकाना। तो ये दोनों एक्शन फ्यूचर के हैं। ये कैसे होंगे, देखिए इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि दोनों जो एक्शन है स्टडी, ये फ्यूचर में शुरू होंगे, ठीक है ना, और ये चलता रहेगा एक एक्शन, इसके साथ ही दूसरा एक्शन भी यहीं शुरू होगा और ये भी चलता रहेगा, तो ये पैरेलल एक्शन बन जाएंगे। जिस समय
जो आई है वो स्टडी कर रहा है, उसी समय उसकी माँ जो है वो खाना पका रही है, इसका मतलब ये होगा। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है कि इस ऐसे सेंटेंस में दो क्लोज होंगी, और दो क्लोज होंगी तो एक क्लोज होगी वैन क्लोज, अर्थात जो टाइम बताएगी, ठीक है ना, और एक होगा मेन क्लोज। तो इस सेंटेंस में मेन क्लोज ये है, ठीक है ना, ये मेन क्लोज है, ये यहाँ पे टाइम बताने के लिए यूज की गई क्लोज है। तो जो टाइम बताने वाली जो क्लोज है उसमें आपको फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ नहीं करना है, उसमें आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सुन लीजिए, जो हम इस सिचुएशन में अगर फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे तो क्योंकि दो एक्शन होंगे, दो पैरेलल एक्शन होंगे, तो दोनों एक्शंस के लिए हमें टेंस यूज़ करना है। तो दोनों एक्शंस में से हम एक एक्शन को प्रिंसिपल क्लोज में लिखेंगे, दूसरे एक्शन के लिए हम सबॉर्डिनेट क्लोज यूज़ करेंगे, और सबॉर्डिनेट क्लोज वैन क्लोज होगी जो टाइम क्लोज कहलाती है। तो हम जो सबॉर्डिनेट क्लोज होगी हमारी, अर्थात जो वैन क्लोज, उसमें हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ नहीं करेंगे बल्कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। जो मेन क्लोज है उसमें फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे यूज़ किया गया विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बस। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।